नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से बीजेपी ने यूपी में खराब प्रदर्शन किया, उसके बाद कहा जा रहा था कि सीएम योगी की छवि कहीं ना कहीं कमजोर हुई है और एक्शन भी कहीं ना कहीं फीके पड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी भी लगातार उन पर आरोप लगा रही थी, लेकिन अब सीएम योगी फिर साबित करने में जुट गए हैं कि ना तो उनका एक्शन फीका पड़ा है और ना ही उनका मोटिव। वो जिस तरीके से भ्रष्टाचार मिटाने का दावा करते आए थे, उसी तरीके से आज भी काम कर रहे हैं। कैसे, ये भी बता देते हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। जी हाँ, प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ें काफी गहरी हैं और निचले स्तर तक भ्रष्टाचार पैर पसार चुका है। रिश्वत को सुविधा शुल्क जैसा नाम दिया जा रहा है। इस तरीके की स्थिति में अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिश्वतखोरी पर लगाम लगाने के लिए करारा एक्शन शुरू कर दिया है। साल 2017 में प्रदेश की बागडोर संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं और गुंडों के खिलाफ एक्शन शुरू किया। अब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जोरदार एक्शन की तैयारी है। यूपी में अब भ्रष्टाचारियों को ठिकाने लगाने के लिए सीएम योगी ने विशेष रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। ये रणनीति मैन टू मैन मार्किंग की है, मतलब भ्रष्टाचार की जड़ तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। यूपी विजिलेंस ने एक्शन भी शुरू कर दिया है। लगातार छापेमारी का दौर जारी है। प्रदेश के विभिन्न इलाकों में विजिलेंस ने लगातार एक्शन किया है। विजिलेंस डीजी राजीव कृष्णा सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार के मामले हमारे पास आएंगे तो उन पर त्वरित कार्रवाई होगी। विजिलेंस के हेल्पलाइन नंबर पर सीधे तौर पर शिकायत दर्ज कराने के लिए भी कहा जा रहा है। विजिलेंस कैसे कार्रवाई कर रहा है वो भी बता देते हैं। पिछले एक महीने का ये आंकड़ा समझिए। 16 अगस्त फिरोजाबाद में विद्युत उपकेंद्र के अवर अभियंता 10,000 रुपए घूस लेते पकड़े गए। 17 अगस्त हापुड़ में लेखपाल 50,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए। 17 अगस्त आगरा में शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक 3,00,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किए गए। 24 अगस्त कानपुर में नगर निगम के जूनियर लिपिक को 10,000 रुपए घूस लेते पकड़ा गया। 2 सितंबर मिर्जापुर में स्वास्थ्य कर्मी कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा 50,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किए गए। 7 सितंबर हापुड़ में नगर पालिका परिषद के अवर अभियंता तकरीबन 2,50,000 रुपए घूस लेते पकड़े गए। 9 सितंबर कानपुर में हेड कांस्टेबल शहनवाज खान 15,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। 10 सितंबर कानपुर विकास प्राधिकरण के सहायक लिपिक को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। साथ ही साथ 1 सितंबर को सहारनपुर में देवबंद में चकबंदी अधिकारी 50,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस पूरी कार्यवाही में पकड़े गए। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार के मामले पर योगी सरकार का कड़ा तेवर देखने को मिल रहा है। यूपी में पुलिस ही पुलिस को पकड़ रही है। जी हां, प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ एनकाउंटर अभियान जारी है। इसी बीच भ्रष्टाचार के मामलों में पुलिस भी रडार पर आ गई है। सहारनपुर, हापुड़, फिरोजाबाद, आगरा, अयोध्या, कानपुर, बरेली, लखनऊ, गोरखपुर, मिर्जापुर और अमेठी में विजिलेंस ने लगातार कार्रवाई की है। करप्ट अफसरों के खिलाफ एक्शन चल रहा है। पिछले दिनों 10 से 11 सितंबर के बीच महज 24 घंटे में विजिलेंस ने 3 स्थानों पर छापा मारकर आरोपियों को पकड़ा है। पहला एक्शन कानपुर में हुआ, वहां से भूखंड रजिस्ट्री कर्मचारी को पकड़ा गया और ऐसे कई एक्शन सामने आए। देखा जाए तो यूपी विजिलेंस के एक्शन को इसी तरीके से देखा जा सकता है कि पिछले एक महीने में 16 भ्रष्ट अफसर पकड़े गए हैं। इसमें असिस्टेंट अकाउंटेंट से लेकर पुलिस कांस्टेबल, एसडीएम का पेशकार, नगर पालिका का जूनियर इंजीनियर, भूखंड रजिस्ट्री कर्मचारी, पुलिस चौकी इंचार्ज, सहायक पटल, भाजपा नेता तक शामिल है। यूपी में हर दूसरे दिन भ्रष्टाचारियों को कानूनी शिकंजे में कसा जा रहा है। अधिकारियों से लेकर नेता तक यूपी विजिलेंस की कार्यवाही के रडार पर है। उन पर बिना किसी लाग लपेट के कार्यवाही हो रही है। इस कार्यवाही ने अब भ्रष्ट अधिकारियों में खौफ पैदा कर दिया है। वहीं सीएम योगी एक बार फिर एक्शन मोड में दिखने लगे हैं और अपनी छवि को
और मजबूत करते हुए दिख रहे हैं। वो जिस एक्शन के लिए जाने जाते हैं वही एक्शन दोबारा फॉर्म में कर रहे हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।